तो भाई लोग आप में से जो जो लोग पीसी की वीडियो देख रहे हो सबसे पहले बता दें वो लोग देखना जिनका रफली अंडर 50,000 बजट है सिर्फ सीपीयू का। तो ये रहा सीपीयू, इस सीपीयू का बजट है 44,000 ठीक है, और इंक्लूडिंग कीबोर्ड माउस मॉनिटर और मॉनिटर को भी मिला लेगा हम, तो ये बजट जा रहा है 54,000 विदाउट शिपिंग इंश्योरेंस, पैकिंग इसमें इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ आपको सीपीयू और मॉनिटर का बजट बता रहे हैं। सो भाई लोग ये ऑर्डर हमारे पास आया है सीधा राजस्थान टोंक, TONK टोंक राजस्थान से आया है, मिस्टर गौरव का पीसी है और कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाते हैं। तो अगर आप भी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चेन्नई, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, कहीं वेस्ट बंगाल कहीं भी रहते हो और आपको पीसी की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे पीसी परचेस कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा, दो नंबर देखिए हमने मेंशन कर रखे हैं, तो हम दोनों में से किसी एक पे भी आप हमें कॉल कर देंगे या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको अपनी कोटेशन मिल जाएगी और आपके घर तक आपका पीसी पहुंच जाएगा। ठीक भाई, और उसके अलावा चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहते हैं अगर हमारे स्टोर पे आके लेना तो लखनऊ में हमारा स्टोर है फिजिकल, आप वहां से आके भी पीसी को अपने परचेज कर सकते हैं। सो भाई लोग सबसे पहले बात आती है कैबिनेट की, तो जो हमने इसमें कैबिनेट यूज की है वो यूज की है सर्किल की X1 व्हाइट कलर की कैबिनेट यूज की। इसमें आपको 3 ARGB फैन फ्रंट मिल जाते हैं और 1 ARGB फैन आपको बैक में रियर में मतलब मिल जाता है, 4 फैन मिल जाते हैं। टॉप पे आप 240 mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से लगता है। आईओ पोर्ट्स आपके सामने हैं, 3.0, 2.0 हेडफोन जैक, माइक जैक, पावर ऑन स्विच, रीसेट बटन और RGB बटन के साथ आता है। 2 कलर में कैबिनेट आती है और अच्छी चीज ये है कि इस कैबिनेट के बेस में भी आप 1-2 फैन लगा सकते हैं इसके लुक को और इनहेंस करने के लिए। बात करें प्राइसिंग की तो ये आती है समवेयर अराउंड 3500 के आसपास, 3500 के आसपास इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है। सो भाई उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट इस बिल्ड में यूज किया है वो हमारी NVMe, ये देख लीजिए 500 GB की NVMe2 हम लोगों ने इसमें यूज की है जिसकी रीड स्पीड है अप टू 3500 Mbps किंगस्टन की NVMe है, मतलब बिल्ड क्वालिटी में परफॉर्मेंस में आपको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। बात करें प्राइसिंग की तो ये कॉस्ट करती है आपको कहीं जहाँ जाते मान चलो आप 4000 के आसपास। तो भाई ये देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रेक कर रहे हैं NVMe की, यानी सील ब्रेक कर दी NVMe की, आपकी लग रही है किंगस्टन की NVMe2 500 GB की Gen 3 NVMe जिसकी रीड स्पीड है अप टू 3500 Mbps। के पांच चौबीस से प्रोसेसर लगाया है वो लगाया है AMD Ryzen 5 5500 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, 19 MB कैश मेमोरी का आता है और साथ में आपको स्टॉक कूलर भी कंपनी इसमें देती है। ठीक, ये रहा सीरियल नंबर हमारा प्रोसेसर का Ryzen 5 5500। वही ये केस के सील हम लोग कर रहे हैं ब्रेक और इसको करते हैं अनबॉक्स, दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या मिलता है। अंदर हमको इसमें मिल जाता है देखिए, ये तो प्रोसेसर और ये हुआ इसका फैन, दो तीन चीज मिलती है। सीपीयू कूलर है, एएमडी का आता है, काफी अच्छा यार डिसेंट है, साउंड पेस्ट लग के कंपनीज को देती है। उसके अलावा ये रहा प्रोसेसर एएमडी Ryzen 5 5500 6 कोर 12 थ्रेड का। उसके बाद हमने सप्लाई लगाई है इसमें कूलर मास्टर की MWE 550W 80+ ब्रॉन्ज जो की आती है 5 ईयर्स की वारंटी के साथ पावर सप्लाई। ठीक, तो भाई ये रही सील हमारी कूलर मास्टर 550W SMPS की। ठीक है, इसकी सील आपके सामने देखिए, हम ब्रेक कर रहे हैं, सील ब्रेक करने के बाद अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं इसमें क्या क्या मिलता आपको है। ये देख लीजिए, ये रही हमारी सप्लाई MWE ब्रॉन्ज 550W 80+ ब्रॉन्ज। ये रहे इसके वायर, वायर की क्वालिटी, लेंथ काफ़ी अच्छी है, कूलर मास्टर है तो मतलब आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई। उसके अलावा हमने यूज़ की इसमें HPG की D35 8x2 व्हाइट कलर की 3200 MHz की रैम यूज की है। ये देखिए दोनों की सील आपके सामने हम ब्रेक करने जा रहे हैं, ये हो गई हमारी दोनों की सील ब्रेक। इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं कि रैम की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। ये देखिए व्हाइट कलर की रैम है 8x2 3200 MHz 16 GB की टोटल रैम स्टिक लगाई है XPG की D35 व्हाइट कलर, 2 कलर में आती है व्हाइट एंड ब्लैक। उसके अलावा जो ग्राफिक कार्ड बोर्ड लगाया है, ग्राफिक कार्ड बोर्ड लगाया है ASRock का Radeon RX 570 8 GB का GDDR6 बेस ग्राफिक कार्ड। ये रहा सेल नंबर हमारे ग्राफिक कार्ड, इसे सील आप हम खोलते हैं। देखिए हमने यहाँ से खोला, ये मिला है हमको ग्राफिक कार्ड, सील बाहर नहीं होती, सील हमेशा अंदर होती है। इसको निकालेंगे तो ये देखिए 12 फैन का ग्राफिक कार्ड है हमारा, 2 फैन 120 mm का दे रखे हैं, बैक प्लेट नहीं आती, RX 570 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये रहा सीरियल नंबर इसका और अच्छा ग्राफिक कार्ड है बिल्ड क्वालिटी बजट के हिसाब से। और ये रहे इसके IO पोर्ट्स,
मतलब वो यूज किया है, वो यूज किया है गीगाबाइट का UDB450MTSCH वाईफाई जो किया था है AMD M4 सॉकेट के साथ AMD 5000 डेस्कटॉप रेडी। ये रहा सेल नंबर हमारा मदरबोर्ड का B450MTSCH वाईफाई। तो भाई ये देखिए आपके सामने सील ब्रेक होने जा रही है इसकी। ये हो गई यहाँ से हमारी इसकी सील ब्रेक। सील ब्रेक के बाद अंदर क्या क्या मिलता है आइए आपको हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये मिलते हैं एंटीना, देखिए दो मिलते हैं वाईफाई ब्लूटूथ का, और ये हो गया आपकी आईओ शीट। और उसके बाद ये रहा हमारा मदरबोर्ड। 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं इसमें, प्रोसेसर का स्लॉट मिल जाता है, NVMe का एक स्लॉट मिलता है सिर्फ, और दो मिल जाते हैं PCI Express स्लॉट, मतलब इसमें आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। और ये रहे इसके आईओ पोर्ट्स, 4 3.0 के, 4 2.0 को के, HDMI पोर्ट और वाईफाई के पोर्ट मिल जाते हैं आपको, ईथरनेट का भी पोर्ट इसमें मिल जाता है। ये सारे कंपोनेंट रहे आपके सामने। भाई पीसी हमारा कहाँ पे कंप्लीट हो गया था, मैंने सोचा ये आपको एक बार दिखा दूँ। तो ये देख लीजिए, ये रहा हमारा पीसी। बिल्ड का काम जो भी था वो हमारे एंड से कंप्यूटर जो को पूरा A to Z बिल्ड हो गया है। देखिए आपका जितना भी चीज़ें थी हमने अलाइन कर दी हैं, सब बिल्ड कर दिया है। और उसके अलावा ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट सर्किल X1 वाइट कैबिनेट है, आप कमेंट करके बताइए। तो आइए इसको मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, लाइट स्टूडियो की ऑफ करते हैं, इसको ऑन करके दिखाते हैं। सो भाई लोग लाइट्स हमने ऑफ कर दी, अब हम लोग करते हैं इसको मशीन को पावर ऑन। सो 3 2 1 गो। ये देख लीजिए मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है, और लुक वाइज कैसी है ये आप जरा हमको खुद बताओ। देख के 3000 फैन आपको फ्रंट मिल की कंपनी दे रही है, प्लस 1000 फैन आपको कंपनी बैक में दे रही है। 3000 फैन और RGB फैन की RGB देखो जो भर भर के आती है ना, ये देख लो आप क्या जबरदस्त RGB आ रही है, मजा आ रहा है आपको देख के। अगर आप सोच सकते हो कि 44,000 के PC में इतना अच्छा प्रोसेसर, इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड, और ये देखिए इसके कलर चेंज होकर दिखा रहे हैं, ये दूसरा RGB इफेक्ट था आपका, ठीक है। और ये रेड पूरा प्रॉपर रेड दे रहा है, देखिए अंदर, देखिए अंदर क्या शानदार लग रहा है, ठीक। रेड के अलावा ये हो गया ग्रीन, ये ब्लू, ये येलो, ये पर्पल, ये सी ग्रीन, और ये वाइट कलर आपका हो गया। लुक कैसा लग रहा है आप जरा हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर से रेड आ गया है, मल्टीपल है, आप जो चाहो इसमें वो लगा सकते हो। ये देखिए इफेक्ट स्टार्ट हो गए हमारे, क्या बोलते हैं RGB इफेक्ट है। और ये देखिए हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। पहुंचे हम टास्क मैनेजर में, इसके आई परफॉर्मेंस में। सबसे पहले CPU हमारा आर रेडी ऑन, सॉरी GPU है, तो CPU में आए AMD का Ryzen 5 5500 प्रोसेसर लगा है। और मेमोरी में देखिए 16 GB रैम लगी हुई है, 500 GB किंगस्टन की NV2, 500 GB की NVMe लगी है, और GPU लगाए रेडियन का RX 570 8 GB का, ठीक भाई। तो ये रहा सिस्टम। अब आइए जरा हम लोग एक काम करते हैं, बेंचमार्क भी टेस्ट कर लें, देखते हैं कि क्या बेंचमार्क आ रहे हैं इस PC पे।
भाई लोग आपने देखे बेंचमार्क कैसे लगे और इनके दो कंपोनेंट्स और हैं, मैं जो आपको एक बार दिखा दें। देखिए एक इन्होंने लिया है ज़ेरोनिस की तरफ से मिला ज़ेप ट्रांसफॉर्मर गेमिंग कीबोर्ड माउस का कॉम्बो, और एक लिया है सैमसंग का 24 इंच IPS पैनल 75 हर्ट्ज 5 ms रिस्पॉन्स टाइम का मॉनिटर, गेमिंग मॉनिटर सैमसंग का IPS मॉनिटर। तो ये सामान इन्होंने लिया है, कैसा लगा पीसी आपको कमेंट जरूर बताना। और आज के लिए भाई इतना ही, जल्दी मिलते हैं स्टूडियो में। चैनल पे पहली बार आप लोग आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।